अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तरक्की कारोबार, अगर किसी कागज़ पर हरूफ ज़ा 100 मरतबा लिख कर गुलाब व ज़ाफ़रान से किसी दरख्त पर लटका दे और इस पर अपना नाम और अपने वालिदा का नाम भी लिख दे तो कारोबार में बेहद तरक्की होगी इंशाल्लाह। सहर जादू का भी है, अभी फिल वक्त मैं दूसरा रिस्क का बता रहा हूँ तो रिस्क का ही दिखाऊँगा मैं। गैब से रिस्क मिले, अगर इस उर्फ को अजमार के साथ लिखकर अपने पास रखें तो गैब से रिस्क मिलेगा। जैसे कि रा है, ज़ा है, अब ज़ा में आप क्या जोड़ोगे, ज़्यादा, ज़्यादा के हरूफ कितने हुए वो हरूफ बनाओगे और उसको अपने पास रखोगे तो आपको इंशाल्लाह गैब से ये मिलेगा। दफीने की जगह मालूम करना, ये दफीने की जगह मालूम करने का रहने दो, इंशाल्लाह अगली बार मैं बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर दें। दीवार गिराना, अगर किसी को चाहें तो अमल से दीवार ही गिरा सकते हैं। अगर कोई शख्स मिस्त्री की साथ में जुमेरात के दिन नौबत पे 9 मरतबा हरूफ ज़ा के आदात को 10 सत्रों में लिख दे और किसी दीवार में चिस्पा कर दे तो वो दीवार कायम ना रहे, गिर जाएगी, इतना पावरफुल अमल है। तो बहरहाल मैं आपको बहुत ज़्यादा अमल दिखाना चाहता हूँ, इसलिए खामोश हूँ कि आप लोग सब्सक्राइबर्स थोड़ा ज़्यादा हो जाए मेरे। कैद से नजात, अगर कोई शख्स नाहक कैद हो तो 5 मरतबा हा 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 और इसके साथ इसके सूरा अलम नशरा पूरी तहरीर करके कैदी के गले में डाल दें और कैदी रोज़ाना सूरे ताहा पढ़ा करें, बहुत जल्दी कैद से खुलासी पाएगा, अमराज से शिफा। मंदरा ज़ैल हरूफ हा की इश्काल बनाएं, इनकी खासियत यह है कि अमराज हर मर्ज़ के लिए शिफा की हुक्म रखती है और ऐसी अमराज जिनके इलाज से इतवा आजिज़ आ चुके हों इन अश्काल को तहरीर करें, 7 असमाए खमर तहरीर करें, फिर 7-5 मरतबा तहरीर करें। यह तावीज़ मरीज़ के सरहाने रात को रख दें, इस हरूफ को ये रूहानियत ख्वाब में मरीज़ को अलामत से आगाह करें। तो बहरहाल ये जो नक्श दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 8 0 हा और ये जो नक्श दिख रहा है ये नक्श को फोल्ड करके मरीज़ के सरहाने रख दें। चलो अल्लाह हाफिज़, अभी सब्सक्राइब बढ़ने के बाद में मैं आपको अमल बताऊँगा बहुत ज़्यादा।